लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या कर रही हैं आप? You see, दमलू, मेरी एक प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम ये कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम बताऊं तो प्रॉब्लम, अगर नहीं बताऊं तो प्रॉब्लम। तो जब तक मेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं बन जाती, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी बिग प्रॉब्लम। मगर इस प्रॉब्लम में इस बेचारे बैल को क्यों प्रॉब्लम में डाल रही हो? हिंदी फिल्म नहीं देखता क्या दमलू? नो प्रॉब्लम। बच्चों की तरह चीख रही हो, अभी देखना 2 मिनट में छलांगे लगाने लगोगी। और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछे नहीं, आगे भगाना। पर रोहित, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नो प्रॉब्लम, लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। रोहित, हेलो साहब, मैं डमरू, जरा रामनाथ को फोन देना, मुझे इंक्वायरी करनी है। अरे बेवकूफ, मैंने तेरे लिए फोन नहीं किया, मुझे काजल से बात करनी है। काजल? हेलो। हेलो बड़े पापा, कैसी हो बेटा? हम बिस्तर में हैं। हाँ? क्या हुआ? हम गिर गए थे बड़े पापा। कहाँ? कैसे? करण कहाँ था? बुलाओ उसे। बड़े पापा, हम ठीक हैं, हमारी गलती थी। Don't worry, I'm fine। हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है ना? लग रहा है बड़े पापा, हमने तो यहाँ एक दोस्त भी बना लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं? बहुत ख्याल रखता है बड़े पापा। तुम्हें पसंद है? हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हंसता तो बिल्कुल नहीं। बेटा, तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हंसना भी सिखा दो। सिखा देंगे बड़े पापा, सब सिखा देंगे, आप भरोसा रखिए। हंसना बोलना तो क्या, उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे। पर आप कब आ रहे बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है। हाँ तो फोन पर बोलो ना बेटा। फोन पर नहीं बड़े पापा, हमें शर्म आती है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है मैं आऊंगा। बाय। हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाओ। मुझे यार ऑनलाइन बिट्टू, प्लीज जिद मत करो। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा। बाय रोहित। गेट वेल सून। करण, मेरे साथ चलो, कुछ दवाइयाँ देनी है। यार करण, तुम्हें लड़कियाँ समझ में आती है? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है लड़कियों का, कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है, पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाहती है।
मैं कई लड़कियों के दिल खोल के देख चुका हूँ, लगते सब नॉर्मल है, मगर होते नहीं। मुझे इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं। लकी चैप। बीवी जी, लगता है आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। लाई मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। इस रोग का कोई इलाज नहीं धनो। हाय रे हाय सत्के जवान, कौन खुश नसीब है वो जिसने मेरी जान बचाकर मेरी जान ले ली। सच्ची? तो फिर मैं आपको कल चूड़ियों वाले मंदिर में ले चलूंगी। कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं धनो। बीबी जी, ये तो मुरादों वाली चूड़ियां हैं। इस मंदिर की यही तो महानता है। कोई लड़की अपने पसंद की चूड़ियां लेकर देवी के चरणों से पवित्र करके पहने और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चूड़ियों को छू ले तो समझो चट मंगनी पट ब्याह। हमें चूड़ियां चाहिए धनो। कौन से रंग की दूं? सभी रंगों की। प्रसाद सबको बांट दो जी। भैरू सिंह जल्दी करो यार, बहुत भूख लग रही है। रोहित, ये प्रसाद है, खाना नहीं। सेम थिंग काजल। करण, ले लो यार, ये प्रसाद समझ के दे रही है, तुम मिठाई समझ के खा लो। सिंपल। खुशकिस्मती समझूं या तुम्हारी नाकामयाबी? मुझे सही मौके का इंतजार है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, उसका कल कभी नहीं आना चाहिए।